आप देखो, आप वो YouTube तो देखो आप, जो एक कोई लड़की ने कहा ये फैजाबाद के पास में इंटरव्यू लिया मुसलमानों की बस्ती में घुस करके, स्पष्ट कहते हैं कि हम तो ओबीसी को देंगे वोट, ओबीसी को वोट देंगे, वही हितों की बात करता है। एक बार मैं द्वारिकापुरी गया, तब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसमें मक्का मदीना का फोटो लगा हुआ था, उससे मुझे समझ में आ गया कि ये गाड़ी जो चला रहा है ये मुसलमान है, ये मुसलमान की गाड़ी। मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो तुम किसको पसंद करते हो, मोदी जी के आने से आपको लाभ हुआ कि हानि? तो उन्होंने कहा लाभ हुआ। बोले अभी हम रिक्शा चला रहे होते अब हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अभी हम रिक्शा चला रहे होते आज हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि महाराज जब भी कोई सरकार योजना बनाती है तो कोई जाति को लेकर के थोड़ी बनाती है, कोई संप्रदाय को लेकर के थोड़ी बनाती है। अगर सड़क बनेगी तो केवल एक जाति और एक धर्म के लिए थोड़ी आएगी, वो तो सबके लिए आएगी, सबको लाभान्वित बराबर होता है। लेकिन ये जो हट धर्मिता है इस देश के अंदर में रह करके, इसलिए ऐसे हट धर्मावलंबियों को बोलो शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। आइए तो इस प्रकार से करके इस जय बैठो, एक माल्य अर्पण कर दो। अच्छा इसी राम भरत जी पूरी कर लिया करो काम। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस चीज को आप ध्यान रखना, इसलिए आप में भी वो संगठनात्मक विचारधारा होनी चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तहां अग्नित जोधा। इसलिए उन्होंने क्या देखा, दंड बैठक लगा रही है पहलवान लोग, कितने मंदिर कितने मंदिरों को लोगों ने सैन्य स्थलों के रूप में परिवर्तित कर दिया। कितने दिनों से हमारा ये तीर्थराज प्रयाग का वटवृक्ष का दर्शन वास्तविक नहीं होता था, अभी जाकर के दर्शन खुला है कि आप वटवृक्ष का दर्शन आप कर सकते हो। इसलिए चीजों का भी चिंतन करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात कही कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। अनेकों योद्धा हमारे भी जीवन में काम क्रोध मदलोभ ये दंड बैठक लगा रहे हैं। हनुमंत लाल जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखे जहां तहां अग्नित जोधा और गयउ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाही। अब दशानन का अर्थ दो है, दशानन मणि रावण, दस हैं मुखारबंद जिसके, और दूसरा दशानन का अर्थ है दस इंद्रियों से समन्वित हमारा ये शरीर। कहा शरीर के अंदर ये शरीर रूपी जो दस इंद्रियों का मंदिर है, कुरे नवद्वारे देही जिसका वर्णन आया है ऋग्वेद के अंतर्गत कि ये शरीर ये नौ द्वारों से युक्त अयोध्या है, इसके नौ दरवाजे हैं, पंचद्वारस्तु पौरस्त्याम दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूसामते नामानी निपवर्णये, ये श्रीमद् भागवत में ये श्लोक जहां पुरंजनोपाख्यान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर ये गयउ दशानन मंदिर माही, हमारा ये जो शरीर है ये मंदिर है, दस इंद्रियों का दरवाजा, ये दस इंद्रियों से समन्वित हमारा ये शरीर ही मंदिर है। और इस मंदिर की शोभा तभी है जब इसके अंदर में भक्ति है, अगर भक्ति नहीं है तो ये जल करके खाक होने के लायक है। इसलिए गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही लेकिन मंदिर महु न दीख वैदेही। हम सो रहे हैं, खोए हुए हैं भगवान को, कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सो रहे हैं। सारी जिंदगी हमने मोह की, इसलिए लंकने को क्या कहा गया। हनुमंत लाल जी महाराज जब प्रवेश करते हैं तो उसका वर्णन करते, लंका है चले उसमें नरहरी नाम लंकनी एक निश्चरी, वो जाग रही थी
लेकिन फिर भी कहा कि नाम लंकने एक निश्चरी सो कह चलिस मोह निंदरी। मोह की नींद में जो दिन रात सोई हुई है, हम लोग भी मोह की रात्रि में दिन रात सो रहे हैं, लग रहा है कि हम जाग रहे हैं लेकिन सो रहे हैं। हनुमान जी ने देखा मंदर मोहन दीख बैदे ही, शयन किए देखा कपते ही, सो रहा है मंदर मोहन दीख बैदे। और दूसरा अगर देखा जाए दृष्टिकोण से, तो जब हनुमंत लाल जी महाराज रावण वाले घर में घुसे, दशरथ रावण को ही मान लीजिए, जब उसमें घुसे तो बड़ा आश्चर्य दिखलाई पड़ा उसको, सीता जी उसके हृदय में सीता जी दिखलाई पड़ी। रावण शासक राटे मार रहा था, जब देखा दिल में तो सीता जी दिखलाई पड़ी। यही के हृदय बस जानकी जानकी मम और वाच है, सीता जी दिखलाई पड़ी। हनुमान जी खुश हो गए कि यहाँ तो सीता जी हैं, तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी नाक और कान थे, वो घुस गए अंदर में। अंदर में घुसे तो कुछ नहीं दिखलाई पड़ा, इसलिए उन्होंने फिर ये कहा कि अति विचित्र, बाहर से तो दिखलाई पड़ रही लेकिन अंदर में कुछ नहीं दिखलाई पड़ा। रावण ने रावण संहिता में एक बार मंदोदरी से गुस्सा गया, क्योंकि उनकी एक विशेषता थी, दुनिया की विशेषता होती है, कोई कोई लोग जो बाहर बहुत तीस मारखा बनते हैं, जब वो घर के अंदर घुसते हैं ना, घर के अंदर घुसते से ही भीगी बिल्ली बन जाती है। हाँ, घर में इतना पावर होता है, बाहर भले ही तीस मारखा बन रहे हो। इसलिए रावण बाहर खूब दिग्विजय यात्रा करके आता था, लेकिन घर के अंदर में जो मंदोदरी सुनाती थी ना, अरे कल जरे ऐसा कहती थी मंदोदरी ने पकड़ लिया, क्या कि तुम क्या कर रहे हो, सीता सीत ने सा समाई, तुम राम को नहीं जानते, इतने बड़े शास्त्रों के तुम ज्ञाता हो। तो रावण ने कहा मंदोदरी बैठ जा मेरे पास, आज मैं तुझे तेरे पास में एक सिर है, मेरे पास में दस सिर हैं, तू राम जी के बारे में जितना जानती है उससे दस गुना मैं राम जी के बारे में जानता हूं। क्या जानते हो, तुम्हारे बारे में जानते हो कि नहीं? रावण का हां, मैं अपने बारे में भी जानता हूं। मुझे मत बता सीता जी कौन है, मुझे मत बता कि राम जी कौन है। जानामि लक्ष्मीं सीतां रामं च मधुसूदनः, मैं जानता हूं कि सीता साक्षात लक्ष्मी है, भगवती है। रामम च मधुसूदनः, श्री राम जी साक्षात मधुसूदन है। का फिर तुम अपने बारे में नहीं जानते? का बधम च जानामि, मैं जानता हूं कि मेरी मौत होगी। निजम दशास्यपि, मैं ये भी जानता हूं कि रणभूमि में मेरे दसों सिर कट के गिरेंगे। लेकिन तथापि सीताम न समर्पयामः, फिर भी मैं सीता जी को समर्पित नहीं कर सकता। बोले क्यों? कहा इसलिए कि यथा नियुक्तोस्मि तथा करोस्मि। ये मेरे राम की फिल्म चल रही है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, और कहते हैं जिस फिल्म का गद्दार अच्छा ना हो ना तो वो फिल्म फेल हो जाती है। और मुझे इसमें हीरो का पार्ट थोड़ी गया, हीरो तो राम जी है इसमें। अब तुम मुझसे कहती हो मैं हीरो का पार्ट करने लग जाऊं, फिल्म बिगड़ जाएगी पूरी राम जी की। मैं तो राम जी का भक्त हूं, ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूं कि युगों युगों तक। हाँ, कोरोना में लोग सोचते थे कि वो तो जब रामायण सीरियल आया था तभी तक पहली बार बना था, राम जी का चमत्कार था। महाराज इस कोरोना में फिर वही रामायण सीरियल दोहरा दिया गया, फिर भी वही सन्नाटा पसरा हुआ था सड़कों में जो पहले पसरा हुआ था। राम जब भी इस धरती पर उनकी लीलाओं का नामांकन होता है तभी उनकी लीला उसी विस्तार उसी महिमा उसी गरिमा के साथ आती है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। रावण कहता है कि आई एम डिवोटी ऑफ, देखो मैंने बड़ी सुंदर चीजें यहां पर वृंदावन में सीखी। वृंदावन में बचपन में सुदामा कुटी में रहता था, और सुदामा कुटी में रामलीला होती थी, ये रामानंदाचार्य जी की जयंती आती थी माघ के पहले, तो रामलीला चलती थी। तो मैं छोटा था 11-12 वर्ष का, तो चंचलता तो थी, तुम लोग मत करना ऐसा अच्छा जैसा हम करते थे। हाँ, तो हम रामलीला देखते समय कहाँ खड़े होते थे मालूम? ना सामने ना पीछे। आचार्य श्री
जहां पर्दा बीच में रहता था ना इधर उधर, वहां खड़े होते थे, इधर देखें क्या इधर क्या कर रहे हैं, और जब पर्दा बंद हो तो इधर देखते थे इधर क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि राक्षस मर गए। और राम जी राक्षस मारने के बाद में अंदर वो ऐसा बाण घुमाते घुमाते फिर अंदर चले जाते हैं। तो हमने कहा इनका खेल खत्म, अभी अपना कपड़े बदल रहे होंगे। देखा वो कपड़े नहीं बदल रहे थे, वो सिंहासन पर अभी भी बैठे। बोले अब क्यों बैठे हो, तो रावण तो मर गया, अब क्यों बैठे हुए हैं। तो मैं मन ही मन सोचा, किसी से कहने की तो क्षमता थी नहीं, मैं देखता रहा कि अब ये क्यों बैठे हुए हैं यहां पर। तो उसके बाद में मालूम क्या हुआ कि वो जो रावण और कुंभकर्ण बने हुए थे, वो भी राम मंत्र की दीक्षा लिए हुए हैं सब। मथुरा के चौबे जैसी रामलीला करते कोई नहीं कर सकता महाराज, और सब नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी के शिष्य हैं, ब्रजवासी हैं श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, ज्यादातर सब उन्हीं के शिष्य हैं। हाँ, तो वो मैंने देखा कि अभी कर क्या रहे हैं, ये आपके राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जी, उन्होंने मुझे गोद में बैठा करके दूध पिलाया था, क्योंकि वही मणि क्या नाम वाल्मीकि भवन तब बन रहा था, मैं ऊपर सोता था और वो भी वही ऊपर सोते थे रामलीला करने के लिए, वहां पर पधारते थे। तो उनके पास में दूध आया, बोले अरे संत भगवान की सेवा आज नहीं की, चलो इन्हीं संत जी को पिला दे, अपने हाथ से दूध पिलाए। तो मैं आपको ये बता रहा था सब राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त, और मैं देख रहा था कि वो अभी राम जी जानकी जी बैठे हुए हैं, राम जी लक्ष्मण जी, और वो जो रावण बने थे कुंभकर्ण बने थे जो युद्ध कर रहे थे, वो फिर अगला पर्दा लास्ट वाला पर्दा गिरा, वो उठे अंदर आए, और जो राम लक्ष्मण जी बैठे हुए थे उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, जो रावण बने थे कुंभकर्ण बने थे। बोले प्रभु जी हम तो आपके उपासक हैं, आपका मंत्र जपते हैं, लेकिन आपकी रामलीला अच्छी हो इसलिए हम दाते राम। वैसे तो हम आप हमारे इष्ट, रावण की यही कहानी है, रावण के समान कोई राम भक्त हुआ ही नहीं है, क्योंकि रावण से कुंभकर्ण ने पूछा राम किन्नु भवान तक्षण सके ताली दलत श्यामलम, यदि तुम सीता जी को अपना बनाना चाहते थे तो क्या सीता जी ने तुम्हें स्वीकार किया किंबा भुक्त्वा। रावण ने कहा नहीं, वो तो सीता जी राम में ही जीती है, लेकिन तुम तो बड़े मायावी हो, तुम तो माया से तो तुम राम बन करके क्यों नहीं चले गए। राम किन्नु भवान तक्षण सके ताली दलत श्यामलम, अब देखो वो ताली पीता था इसलिए उसने वही उदाहरण दिया, ताली के पत्ते के समान सावले, और जो जिसके निकट रहता है वही उत्तर दिया। राम किन्नु भवान तक्षण सके ताली दल, अब ऐसी बात भाई से नहीं कर सकता बड़े भाई से, इसलिए उसने यहां भाई का शब्द प्रयोग नहीं किया, मित्र का प्रयोग किया। राम किन्नु भवान तक्षण सके ताली दल श्यामलम, क्योंकि रामांगम, ये रावण उत्तर दे रहा है कि मैं राम क्यों नहीं बना, बोले रामांगम भजते तात मामपि कलशो न संजायते, जब मैं राम बनूंगा तो राम का चिंतन करना पड़ेगा ना कि राम कैसे हैं, और ज्यों ज्यों राम रूप और धारी तो मात समान लगे पर नारी, ये रावण की थिंकिंग है। वो कहता है कि रामांगम भजते तात मामपि, शब्द बोल रहा है माम अपि माने मुझ जैसे पापी के अंतर्गत से भी दुर्भावना निकल जाती है, सभी मुझे माता के समान दिखलाई पड़ती है, रावण का अपना दृष्टिकोण है रामांग। इसलिए वाल्मीकि रामायण में तो हनुमंत लाल जी महाराज जब रावण को देखते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं, वो कहते हैं यदि इसमें केवल अभिमान ना हो तो ये इंद्र से भी ज्यादा अच्छा है, इंद्र भी इसके सामने कुछ नहीं लगता, ऐसा हनुमान जी ने अनुभव किया रावण को देख करके। रावण को वाल्मीकि रामायण में 11 बार धर्मात्मा शब्द से संबोधित किया। रावण जब मरा है वाल्मीकि रामायण में तो भगवान श्री राम जी अपना कंधा विभीषण के, अपना सिर विभीषण के कंधे पर रख करके एक क्षण के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसा साधारण नहीं था। इसलिए यही के हृदय वस जानकी, जानकी उर मम वास है, गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, रावण को शयन ऊपर से जानकी जी, लेकिन मंदिर महु जब अंदर देखा सैन जब वो कर रहा है तो सीता जी दिखलाई पड़ी, देखा कब थे, लेकिन जब अंदर में गए तो मंदर महु ने दीख बह गई। तो बड़ी सुंदर बात करते हैं कि यहां पर उन्होंने मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा,
देखे जहां तहां अग्नित चोधा, गयो दशान मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही। अब बड़ी विचित्र एक बात आती है कि जहां पर मूर्तियां नहीं थी उनको हनुमंत लाल जी महाराज ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदिर मंदिर कहा, कहते सब मंदिर है। और अब जहां पर एक सचमुच में साधु रह रहा है और जहां पर मंदिर है वहां